और वहीं साथ ही हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी से भी खास बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी जी, उनसे जानेंगे कि आखिर आज तीसरे दिन भी सदन के पटल पर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ सर। बाहर से हमने देखा कि तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और मणिपुर पर एक बार फिर से मांग कर रहे थे कि उस पर बातचीत की जाए। देखिए, सरकार ने इस बात को स्पष्ट ये कहा है कि चर्चा के लिए सरकार तैयार है। मणिपुर नहीं, मणिपुर के साथ साथ राजस्थान के अंदर भी, बंगाल के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी जिस प्रकार की स्थितियाँ, या अगर पंजाब देखें, पंजाब के अंदर भी हर स्टेट के विषय को लेकर के चर्चा करनी चाहिए और जिस प्रकार की एक मेंटलिटी, एक सोच बनी है, उस सोच को हमें नकारना चाहिए और विकास के मामले के अंदर हमें अपना कहीं ना कहीं योगदान देना चाहिए। जब सरकार इस बात को लेकर के बार बार इस बात को कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, परंतु विपक्ष हंगामा ही करता जा रहा है और ना चर्चा के लिए तैयार है, ना बात सुनने के लिए तैयार है, अपनी बात को लेकर के प्रदर्शन करना, क्योंकि विकास के अंदर कहीं ना कहीं बाधा बनते हैं। आज भी हमारा एक क्वेश्चन लगा हुआ था वायु पोल्यूशन को लेकर के, परंतु जब नहीं लोकसभा चली तो एडजॉन हो गई है, हमारा क्वेश्चन भी रह गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आम जन के लिए क्वेश्चन लगते हैं, जिनका लाभ लोगों को मिलता है, परंतु उसके अंदर कहीं ना कहीं विपक्ष एक बाधा बना हुआ है। विपक्ष की सोच है ना, काम हमने किया है, अगर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उनको भी नहीं करने देना है, ये सोच विपक्ष की बनी हुई है। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों जो बाढ़ की स्थिति थी वो काफी भयानक थी और साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान सामने आया है कि जिस तरीके से हिमाचल कांग्रेस राहत के लिए केंद्र सरकार से पैसा मांग रही है, हरियाणा में भी सरकार को केंद्र से जाकर पैसा मांगना चाहिए और राहत का जो कार्य है वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ हरियाणा वालों के लिए करना चाहिए। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस तत्परता से काम कर रहे हैं, और ये आज का विषय नहीं, अगर हम पिछले 9 वर्ष का कार्यकाल मनोहर लाल जी का देखें, हर क्षेत्र के अंदर मनोहर लाल जी ने जबरदस्त हरियाणा के अंदर काम किए हैं, गति से किए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय के अंदर तो ऐसी स्थिति होती थी, क्योंकि उसके समय में कोई इस प्रकार की बाढ़ तो आई नहीं है, परंतु अगर किसान की फसल का कोई खराबा हो जाता था, मेरे ख्याल से वो 5-5 साल तक चक्कर काटते रहते थे, किसान को उसका मुआवजा नहीं मिलता था। और अगर मुआवजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार के अंदर मिला भी है, 2 रुपये का मिल जाता था, 5 रुपये का मिल जाता था, इस प्रकार की हास्यास्पद स्थिति वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में होती थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात को समझना भी चाहिए, मनोहर लाल जी ने तुरंत, अगर बाढ़ का इतना बड़ा, ये प्राकृतिक आपदा थी और इतना जल, मेरे ख्याल से मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, इतना पानी मैंने देखा है कि चारों तरफ पानी पानी था, फसलें खराब हो गई हैं, घरों के अंदर पानी घुसा है, घरों को भी डैमेज हुआ है, घर के साथ साथ पशुओं का भी डैमेज हुआ है, पशुओं के साथ साथ मानव भी कुछ चपेट में आए हैं बाढ़ की, उसका भी नुकसान, मानवता का भी नुकसान हुआ है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत तत्परता से, जो हमारे इस प्रकार की ट्रेजडी हुई है, जहां पर भी कोई बाढ़ के अंदर कोई व्यक्ति चला गया है, उसके परिवार को सहानुभूतिपूर्वक उसको सहयोग करते हुए 4-4 लाख रुपये के चेक उसके घर में पहुँचा दिए हैं, ये तत्परता से। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी हमारे किसान की फसल खराबा हुई है और उस फसल का वो रजिस्ट्रेशन करे पोर्टल के ऊपर, और 15,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से अगर उसका खराबा हुआ है तो देने का ऐलान भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ताकि उसका सर्वे हो करके और वो जिन लोग प्रभावित लोग हैं, जो किसान प्रभावित हैं, उनको उसका मुआवजा मिल सके। और इसी प्रकार से अगर पशुओं का नुकसान हुआ है, पशुओं को अभी वो लिस्ट बनाई जा रही, उसका भी सर्वे किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर घरों के अंदर पानी भरा, घरों को भी, अगर किसी का घर डैमेज हुआ है, उसको भी सर्वे करके उस तक लाभ पहुंचा करके उसको लाभ देने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। परंतु उनको अपने सरकार का ध्यान रहता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब वो कार्यकाल काम करते थे, किस प्रकार से धीमे धीमे लोगों को लाइन लगा करके, लोगों को प्रताड़ित करके, उनको मुआवजा भी नहीं पहुंचता था, लोग घूमते रहते थे, चक्कर काटते रहते थे, परंतु आज मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर डायरेक्ट लाभ सीधा सीधा उसके खाते के अंदर पहुंच रहा है, इस बात का बड़ा संतोष लोगों को है।
सर एक आखिरी सवाल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से, हमने देखा कि एक घटना सामने आई जो काफी ज्यादा सुर्खियों में भी है। थाने के अंदर एक नाबालिग महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है और इस मुद्दे पर क्या संज्ञान लिया है अभी तक आपने, कब तक गिरफ्तारी होगी और इस तरीके की जो वारदात है वो धर्मनगरी से सामने आना अपने आप में वो भी थाने के अंदर बहुत बड़ी बात है। नहीं देखी वो कल शाम को जब जो ही मेरे ध्यान में विषय आया था उस एसआई को तो वहीं गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो भी कार्रवाई बनेगी और जिस प्रकार का आरोप वो लगा, मैं भी क्योंकि मीडिया के उसके माध्यम से शाम को देखा है और फिर मेरी बात भी हुई है और जो भी सख्त से सख्त, क्योंकि ऐसा व्यक्ति थाने के अंदर, क्योंकि थाने के अंदर व्यक्ति एक सुरक्षा महसूस करता है, अगर वहाँ वो सुरक्षित नहीं है, इस प्रकार की हरकत की है क्योंकि उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जो भी कानून के दायरे के अंदर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए खुद नयाब सैनी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके की घटना को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।